मरीजों की संख्या दूसरे राज्य की अपेक्षा अधिक है। अब तक 10% आबादी इसकी गिरफ्त में आ चुकी है। सिकल सेल संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर अरविंद नेरल का कहना है कि शादी के पहले सिकल सेल की जांच कराना आवश्यक है। अगर लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक को सिकल सेल है तो शादी में दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को सिकल सेल है तो शादी नहीं होनी चाहिए। जागरूकता से लोगों को बचाया जा सकता है। सिकलिंग की कुंडली का भी जरूर मिलान कर लें, खासतौर पे उन समाज के लोगों के लिए, उन जातीय और जनजातीय लोगों के लिए जिसमें ये सिकल सेल की बीमारी ज्यादा है, उन्हें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन में, पीढ़ियों में इस बीमारी को रोक सकें।